अचानक से थोड़ी ना होते हैं। मौजज़ों के लिए तो तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाता है। हो सकता है तुम्हारे ये यकीन कर लेने से ही अल्लाह ने मान जाना हो, तब अल्लाह तुम्हारे लिए छोटे छोटे जरिए बनाता है। हो सकता है अगले कदम पे अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा खोल रखा हो और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कदमों को उन्हीं जरियों की तरफ मोड़ने लगता है। हो सकता है जो तुमसे दूर किया वही तुम्हें बेहतर बनाकर वापस मिल जाना हो, और फिर आजमाइश ही तुम्हें उस मकाम तक ले जाती है जहाँ कुन फरमा दिया जाता है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। पता है मौजज़े कैसे होते हैं? जब तुम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हो और सब्र करते हो। हो सकता है तुम्हारे सब्र से तुम्हारे नसीब ने हार जाना हो। हो सकता है जो तुमसे दूर किया वही तुम्हें बेहतर बनाकर वापस मिल जाना हो। हो सकता है तुम्हारा बार बार मांगना अल्लाह की तरफ से कबूलियत का इशारा हो। हो सकता है तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को अल्लाह ने अपने कुन से मुकम्मल बनाना हो। हो सकता है इस आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद ने तुम तक पहुंच जाना हो। हो सकता है इस दर्द के सजदे के बाद तुम्हें अल्लाह मिल जाना हो। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश का ये आखिरी मकाम हो। सोचो कैसे मुकद्दर बदलेगा वो तुम्हारा जब तुम उससे मांगने से ही कतराओगे। जब कह देगा अल्लाह कुन तुम्हारी दुआओं पर, तो तुम मौजज़ों को हकीकत में पाओगे। क्या हुआ जो आज मुस्कुराहट लबों से जुदा है, रख कर अल्लाह पे यकीन तुम बहुत जल्द मुस्कुराओगे। वो तो कहानी बदलने में खूब माहिर है। जब तुम अल्लाह को अपने करीब पाओगे तो तुम अपना हर दुख दर्द भूल जाओगे। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। दुआ तो बदल देती है मुकद्दर, फिर कैसे मुमकिन है तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे। उसकी रहमत को ये गवारा नहीं। जो पहले लिख दिया गया है वही हो ये ज़रूरी तो नहीं। वो एक पल में मुकद्दर बदल देगा तुम्हारा और तुम सोचते ही रह जाओगे नामुमकिन तो तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसका अल्लाह के यहाँ कोई इलाज नहीं। वो ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। ये देरी तो असल में इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम अपने रब को कब तक मनाओगे। तो फिर वो तुम्हें कैसे खाली हाथ मोड़ेगा जब तुम उसके सामने अपनी झोली फैलाओगे। सब्र की राह पे चलते हुए तुम शुक्र की मंजिल पाओगे। वो तो उनको भी नवाजता है जो उसको कभी पुकारा नहीं करते। वो समेट लेगा तुम्हारे तमाम गम और तुम बहुत जल्द दिल से मुस्कुराओगे। रब की कुदरत के जलवे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये देरी तो असल में इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम अपने रब को कब तक मनाओगे। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए अंधेरों से उजाले पैदा कर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदल देगा। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कह देगा। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियारात हैं। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है, अल्लाह की पहुंच में तो सारे मौजज़ात हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मौजज़ा है। अल्लाह बेखबर नहीं, वो जानता है तुमने उसे कितनी बार पुकारा है। इस तकलीफ़ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सीला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जिसके एक कुन ने